और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो 2020 और 2021 में लॉन्च होने वाली है, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस के कारण कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो इस साल लॉन्च ना होकर 2021 में लॉन्च होगी। तो जो पहले नंबर की बाइक है वो मोस्ट अवेटेड बाइक है और वो है टीवीएस जैपलिन। दोस्तों, ये टीवीएस का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट है। एकदम सिंपल बाइक आपको मिलती है, इसमें आपको कोई इतना स्पोर्टी लुक नहीं मिलता है, एकदम नॉर्मल सी क्रूजर बाइक है, इसलिए ये बाइक दिखने में अट्रैक्टिव सी लगती है और काफी ज्यादा लोगों को ये बाइक पसंद भी है। बाकी इसमें सामने आपको एलईडी हेडलाइट मिलती है और पीछे आपको एलईडी टेल लाइट मिलती है और इंडिकेटर्स भी इसमें आपको एलईडी मिलेंगे। दोस्तों, सीट इसमें आपको यूनिबॉडी सिंगल सीट मिलेगी जो कि एकदम कंफर्टेबल और स्पेसफुल है और आप इस बाइक पर लॉन्ग टूर भी कर सकते हो। दोस्तों, सस्पेंशन इसमें आपको सामने यूएसडी फोक्स मिलेगा क्योंकि अब कंपनी धीरे धीरे यूएसडी फोक्स दे रही है और पीछे आपको नॉर्मल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। इंजन इसमें आपको मिलता है 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन और 1200 वॉट की इसमें आपको बैटरी मिलती है, क्योंकि ये बाइक एक इलेक्ट्रिक बाइक है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये इको फ्रेंडली रहेगी और एक चार्ज में ये 150 से 200 किलोमीटर चल जाएगी। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,30,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और अगर लॉन्च डेट की बात करें तो दिसंबर एंड में ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। बाकी जो लोग इस बाइक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो कमेंट जरूर करना। दूसरे नंबर की बाइक है कावासाकी W175। दोस्तों, कावासाकी अब एक मिड रेंज बाइक को लॉन्च करने की सोच रहा है जिसको सभी लोग अफोर्ड कर सकें। दोस्तों, ये बाइक एक बजट फ्रेंडली बाइक रहेगी और आपको कम कीमत में कावासाकी का टैग मिल जाएगा। दोस्तों, इस बाइक का लुक एकदम सिंपल सा है और सिंपल लुक में ही ये बाइक काफी खूबसूरत दिख रही है। सामने आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलेगा और पीछे आपको बल्ब टेल लाइट मिलेगी। दोस्तों, राउंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको मिलता है, स्विच क्वालिटी भी अच्छी लग रही है और आपको इंजन किल स्विच भी मिलेगा और सीट भी इसमें आपको अच्छी कंफर्टेबल मिलती है और दो लोग तो इस पर आराम से राइड कर सकते हैं। इंजन इसमें आपको मिलता है 177 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जिसका मैक्स पावर है 15 bhp और मैक्स टॉर्क है 13 Nm का। दोस्तों, सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और पीछे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलेगा। बाकी इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,15,000 और इसका प्राइस इतना कम इसलिए है क्योंकि इसमें आपको ज्यादा हाई लेवल के फीचर्स नहीं मिलते हैं। बात करें लॉन्च डेट की तो January 2021 में ये बाइक कन्फर्म इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी और जिन लोगों को ये बाइक पसंद आई है वो कमेंट जरूर करना। तीसरे नंबर पर आती है यामाहा XSR 155। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका लॉन्च डिले हो गया है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा तो आप जाकर देख सकते हो। लेकिन अब लगता है कि 2021 के स्टार्टिंग में ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। दोस्तों, दिखने में ये बाइक एकदम मस्कुलर सी लगती है, आपको सिंपल बॉबर टाइप लुक मिलता है जो देखने में काफी शानदार लगता है। सामने आपको एलईडी हेडलाइट मिलती है, पीछे आपको एलईडी टेल लाइट मिलती है और इंडिकेटर्स इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलेंगे। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो यामाहा कॉस्ट कटिंग करने के लिए सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देगी और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। दोस्तों, सीट इसमें आपको यूनिबॉडी सिंगल सीट मिलेगी तो आप आराम से दो लोग बैठकर राइड कर सकते हो। बाकी इंजन इसमें आपको मिलता है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 19 bhp की और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 16 Nm का। और अगर प्राइस की बात करें तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,40,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021 के स्टार्टिंग में ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। बाकी मैं तो यही कहूंगा, अगर ये बाइक लॉन्च होती है तो फिर ये 150 cc सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास रहेगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आपको यामाहा XSR 155 पसंद है कि नहीं। फोर्थ नंबर पर है होंडा रेबेल 300। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में होंडा ने हाइनेस CB350 को लॉन्च किया है और वो बाइक इंडियन मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए अब होंडा अपनी रेबेल 300 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का प्लान कर रही है। दोस्तों, ये बाइक दिखने में एकदम हार्ले डेविडसन टाइप लगती है और जब आप इसको चलाओगे तो आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप एक हाई लेवल की क्रूज बाइक चला रहे हो। बाकी लुक्स इस बाइक का काफी तगड़ा है। दोस्तों, सामने आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है,
पीछे आपको एलईडी टेल लाइट मिलेगी और इंडिकेटर्स इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलेंगे। दोस्तों स्प्लिट सीट इसमें आपको मिलती है जो कि अच्छी कंफर्टेबल है, और अगर आप चाहो तो इसको सिंगल सीट रख सकते हो क्योंकि उसमें ये बाइक और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। दोस्तों इंजन इसमें आपको मिलता है 286 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 32 बीएचपी की और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 27 न्यूटन मीटर का। सस्पेंशन की बात करें तो सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और पीछे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलेगा। दोस्तों प्राइस की बात करें तो 210,000 एक्स शोरूम इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है और उम्मीद है कि दिसंबर तक ये बाइक लॉन्च हो जाएगी, नहीं तो 2021 में ये बाइक पक्का लॉन्च हो जाएगी। पांचवें नंबर पर है यामाहा MT-125। जैसा कि आप सभी को पता है कि 125 सीसी का मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब यामाहा भी प्लान कर रहा है कि उनको भी अब 125 सीसी में एक नेकेड बाइक को लॉन्च करना चाहिए। दोस्तों यामाहा MT-125 सेम MT-15 की तरह दिखती है, आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ पावर आउटफिट में चेंज मिलेगा और हो सकता है कि आपको न्यू कलर्स के ऑप्शन मिले। बाकी सामने आपको दो LED DRLs मिलते हैं और एक प्रोजेक्टर बल्ब मिलेगा। पीछे आपको LED टेल लाइट मिलेगी और अगर इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जिसका मैक्स पावर है 15 bhp और मैक्स टॉर्क है 11.5 न्यूटन मीटर का। सीट इसमें आपको यूनिबॉडी सिंगल सीट मिलती है जो कि अच्छी कंफर्टेबल है और सिटिंग पोस्चर भी इसमें आपका अपराइट रहेगा। बाकी इसमें आपको 120 kmph की टॉप स्पीड मिल जाएगी जो कि 125 सीसी के हिसाब से सफिशियंट है, और सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। और अगर बात करें इसकी प्राइस की तो 1,20,000 इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है और दिसंबर मंथ में ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। सिक्स्थ नंबर पर आती है होंडा CB-150R। दोस्तों इस बाइक का भी काफी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये बाइक दिखने में भी शानदार लगती है और 150 सीसी सेगमेंट में इसके जैसी दिखने वाली बाइक एक भी इंडियन मार्केट में नहीं है। एकदम मस्कुलर सा लुक्स एंड डिजाइन इसमें आपको मिलता है। सामने आपको LED हेडलाइट मिलती है और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है और इंडिकेटर्स भी इसमें आपको LED मिलेंगे। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको फुली डिजिटल मिल जाता है जिसमें आपको सारे इंफॉर्मेशन और फीचर्स मिल जाएगा। अगर इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो मैक्स पावर जनरेट करता है 20 bhp की और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 16 न्यूटन मीटर का। सीट कंफर्ट भी इस बाइक का काफी बढ़िया है और सामने आपको USD फोक सस्पेंशन मिलेगा और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। और बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो इस साल तो ये बाइक लॉन्च नहीं होगी लेकिन 2021 के स्टार्टिंग मंथ में ये बाइक लॉन्च हो जाएगी और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,40,000 एक्स शोरूम दिल्ली। और जिसको ये बाइक पसंद है वो कमेंट जरूर करना। सातवें नंबर पर आती है कावासाकी निंजा ZX-250R। दोस्तों इस बाइक का लुक्स एंड डिजाइन बहुत ही शानदार है, मतलब 250 सीसी सेगमेंट में आपको इसका कोई भी कॉम्पिटिटर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये सीधा सीधा 400 सीसी की बाइक्स को टक्कर देती है। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिलती है जो बाइक को एक शार्प और एग्रेसिव लुक देती है। पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है और इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल का मिलेगा जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इंजन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 250 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 50 bhp की और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 32 न्यूटन मीटर का, और 190 प्लस kmph की टॉप स्पीड इस बाइक में आप गेन कर सकते हो। अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, राइडर सीट अच्छी खासी स्पेसफुल है लेकिन पिलियन सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल रहेगी। बाकी दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि ये बाइक राइडर्स के लिए परफेक्ट रहेगी। इसकी प्राइस की बात करें तो 3,40,000 इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है और ये बाइक फॉरेन कंट्री में लॉन्च हो चुकी है और धीरे धीरे कंपनी इसको लॉन्च कर रही है, तो कह सकते हैं कि 2021 के मार्च तक ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। आठवें नंबर पर आती है यामाहा MT-03। दोस्तों इस बाइक का फैन बेस एकदम अलग लेवल पर है क्योंकि 300 सीसी में आपको ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है, इसका मतलब काफी बढ़िया पावर इस बाइक में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों लुक्स इस बाइक का एक नेकेड सेगमेंट के हिसाब से काफी
प्रीमियम है। दोस्तों फ्रंट में आपको मॉन्स्टर डिजाइन में हेडलैम्प सेटअप मिलता है, कॉर्नर्स पर एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं और पीछे आपको एलईडी टेल लाइट मिलेगी। इंजन स्पेक्स की बात करें तो 321 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन इसमें आपको मिलता है, जिसका मैक्स पावर है 42 bhp और मैक्स टॉर्क है 30 न्यूटन मीटर का। बाकी दोस्तों MT03 के आने से बजाज डोमिनार 400 और KTM ड्यूक 390 को MT03 से काफी तगड़ा मुकाबला करना होगा। बाकी इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा और हो सकता है कि इसमें आपको कुछ राइडिंग मोड्स भी मिल जाए। और प्राइस की बात करें तो 2,50,000 इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है और जनवरी 2021 के स्टार्टिंग में ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। 9वें नंबर की अपकमिंग बाइक है होंडा CBR 250 RR। दोस्तों इस बाइक का लुक्स काफी ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि 250 सीसी सेगमेंट में आपको कुछ ही ऐसी फुली फेयर्ड बाइक्स मिलती है जो आपका पैसा अदा कर देती है। सामने आपको एलईडी हेडलाइट मिलती है और उसी के ऊपर आपको एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे और पीछे आपको एलईडी टेल लाइट मिलेगी। फुली डिजिटल मीटर इसमें आपको मिलता है, जिसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको कुछ राइडिंग मोड्स भी मिलेंगे। दोस्तों सीट कंफर्ट इसमें आपको काफी बढ़िया मिल जाएगा, स्प्लिट सीट इसमें आपको मिलेगी और दोनों ही सीट अच्छी खासी स्पेसफुल और कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन राइडिंग पोस्चर इसमें आपका थोड़ा एग्रेसिव रहेगा। बाकी इंजन इसमें आपको मिलता है 249 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, जिसका मैक्स पावर है 37 bhp का और मैक्स टॉर्क है 30 न्यूटन मीटर का। और इसमें फ्रंट में आपको USD फोक सस्पेंशन मिलेगा और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। बात करें इसकी प्राइस की तो 2,40,000 इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है और दिसंबर एंड में ये बाइक कंफर्म इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। बाकी जो लोग इस बाइक का वेट कर रहे हैं वो कमेंट जरूर करना। आखिरी 10वें नंबर की बाइक है बेनेली 302S। दोस्तों नेकेड सेगमेंट में इस बाइक का लुक्स काफी ज्यादा स्पोर्टी और मस्कुलर है, क्योंकि आप इस बाइक को किसी भी एंगल से देख लो आपको ये बाइक पसंद आ ही जाएगी। दोस्तों सामने आपको एलईडी और प्रोजेक्टर बल्ब का हेडलाइट सेटअप मिलेगा और पीछे आपको एलईडी टेल लाइट मिलेगी। और दोस्तों इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको TFT मिलेगा, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। बात करें इसके इंजन की तो इसमें आपको मिलता है 300 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, जिसका मैक्स पावर है 30 bhp और मैक्स टॉर्क है 25 न्यूटन मीटर का। टॉप स्पीड की बात करें तो 150 प्लस की टॉप स्पीड आप इससे गेन कर सकते हो और इसमें सामने आपको USD फोक सस्पेंशन मिलेगा और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। बात करें इसके लॉन्च डेट की तो जनवरी 2021 में ये बाइक लॉन्च हो जाएगी और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 3,00,000 रुपए। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आपको ये बाइक पसंद है कि नहीं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो। और हाँ, आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने थॉट सजेस्ट करो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो मैं यहाँ यूजर नेम दे दूंगा, तो जाओ मुझे वहाँ जाके फॉलो करो, मैं वहाँ अच्छी अच्छी पिक्स डालता रहता हूँ। और अगर आपको वहाँ कुछ डाउट है तो आप मुझे DM कर सकते हो। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़।